can see on my back the crowd has gathered at Lucknow Airport. आज पूरे लखनऊ शहर की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. इतना भीड़ का हिला हुआ कि पूरा की पूरा लखनऊ शहर आज छावनी में तब्दील हो चुका है. अरे ऐसा क्या किया? अरे वो बाबरी मस्जिद वाला मामला है ना. हाँ हाँ, वही. भीड़ देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केस कितना हाई प्रोफाइल है. बम्बई से आवत बा अमिताभ बच्चन है का? जिन पर आरोप लगाया गया है बाबरी मस्जिद गिराने का. भाई मस्जिद तोड़ने में उसका हाथ नहीं था ना. लेकिन तोड़ने वाले के सिर पे तो उसका था ना. पूरे देश की निगाहें आज इसी फैसले पर टिकी हुई है. क्या समर्थक कह सकते हैं जो हजारों की संख्या में उनको सिर्फ देखने के लिए आए हैं? अरे उस वक्त उसने हाथ नहीं रखा होता तो आज देश जल रहा होता. दिस इज गोइंग टू टर्न आउट अ मोस्ट डिफरेंट सिनेरियो इन इंडियन पॉलिटिक्स. क्या सच में इनका हाथ था? Section 152A, IPC promoting enmity between classes. 150B, imputation, assertion, prejudicial to national integration. And 505, false statement. Rumors, etc., circulated with the intent to cause mutiny or disturb public peace. Ke liye charge kiya ja raha. आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए. बार्ड केशव ठाकरे. लीजिए देशपांडे, शाम को 7 बजे टाउन हॉल में शोक सभा रखिए. अपना आदमी मरता है और हम खड़े होकर 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि दे देते हैं. शर्म आनी चाहिए, उल्टा हमें 2 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठना चाहिए. धीरे से बोलना ठाकरे, नसीब अच्छा है ऑफिस में हम दोनों छोड़कर कोई मराठी नहीं है. अरे नसीब नहीं, बदनसीबी है हमारी. साहब तो फिर आ गया, साहब ने बुलाए. जयराम कैसा लगता है ये कैसे लाइनें मारते हो आप, मेरे तो दिमाग में भी नहीं घुसता. हाँ लेकिन देख के बड़ी हंसी आती है. मेरे व्यंग चित्रों को देख के समझ में नहीं आता ना. एक काम कर,
पहले हंस ले। अब जो मैं कह रहा हूं वो अपनी आंख के सामने लेके आ। एक तरबूज लेके आओ और उस पर चश्मा लगाओ। अब सोचे कौन है। बैठिए मिस्टर ठाकरे, बैठिए ना। आजकल तुम्हारा ये कार्टून्स कुछ ज्यादा ही शार्प होता जा रहा है। आपको मेरे कार्टून समझ आते हैं, अच्छी बात है। थैंक यू। उस एस के पाटिल का तेल निकालना बंद करो। वाइफ से ज्यादा मेरे को उस निज लिंगप्पा के फोन आते हैं। वो मुरारजी को तो टच भी नहीं करना। आग लगाता है तुम, भुगतना पड़ता मेरे को। ठाकरे, ये प्रेस तुम्हारा अकेले के लिए नहीं खोला है, इसमें और भी बहुत से लोगों का परिवार चलता है। सो प्लीज इसको बंद करवाने का कोशिश मत करो। अगर आप मेरे सारे मॉडल्स पर बंदे लगाएंगे तर्मा कार्टून्स काटे चित्री कौन आई। ठाकरे, मुझे तुम्हारे इस आर्ट से कोई शक नहीं है। ये प्रेस विज्ञापन और अच्छे रिलेशन से चलता है। क्यों धंधे का गणित बिगाड़ रहा है तुम? अपने ऊपर तो तुम किसी को मानते नहीं हो, लेकिन मेरे ऊपर है, मुझे सुनना पड़ता है। मुझे मेरा यह नौकरी प्यारा है। यही तो प्रॉब्लम है सर, लोग अपनी नौकरी से प्यार करते हैं, अपने काम से नहीं। तुम करो अपना काम से प्यार और मुझे मेरी नौकरी करने दो। समझा समझा के तुमको परेशान हो गया, लेकिन तुम्हारा समझ में कुछ आता ही नहीं है। मैं आर्टिस्ट हूं, मजदूर नहीं। हेलो, यस सर। हाँ हाँ सर, यस सर, हो जाएगा हो जाएगा। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। ओ गुड डे सर, गुड डे। ठाकरे ठाकरे, एटलीस्ट लिसन टू मी। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या? अगर आप मेरे कार्टून्स को पसंद नहीं कर सकते तो मेरे कार्टून्स भी आपको पसंद नहीं करेंगे। एंड दिस इज माय रेजिग्नेशन। गेट आउट। बालकनी 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 बालकनी, ये कुछ ले बन।
नसीब अच्छा है ऑफिस में हम दोनों छोड़कर कोई मराठी नहीं है। अरे नसीब नहीं बदनसीबी है हमारी। ऑफिस में हम दोनों छोड़कर कोई मराठी नहीं। अरे नसीब नहीं छोड़कर कोई मराठी नहीं है। अरे नसीब नहीं कोई मराठी भी है हमारी छोड़कर कोई मराठी नहीं है। इडली वड़ा डोसा मेदू वड़ा क्या चाहिए? और चाय जल्दी करो। चलो आ जाएगा हमारी जय कर तो करे बंडे ये हमारा आ जाएगा। ओए हाथ पर आज का बाजार खुला है 4:30 पे। बोलो बोलो जल्दी बोलो। शेयर मार्केट में हमारा ठीक है जरा बाजू ना होता था शेख जी। ओए मराठी चाक थे आ गया शेख जी माझे पैसे। पैसा नहीं देगा पैसे जैसे दबा हो जा पैसे देना लख लाना चलिए हल पैसे पैसे देने मज़ा तो पकार निराला लख लख चंदेरी तेजा चिन्यारी दुनिया। ओए नाले दी जान कान भाई तुम पैसा लिए और दिवाली मनाई आए? ब्याज कौन देगी तेरा बाप? मेरा पैसा मत पैसे। दूध भैया लोगों का, इडली अन्ना लोगों की, सिनेमा पंजाबियों का, चाय ईरानी की, बेकरी पारसियों की, मटन मुस्लिमों का, कहने को तो विविध भारतीय है। अखबार इनके घर घर जाकर पहुंचाएगा मराठी आदमी, ये नहीं चलेगा। इनको दिखाना होगा कि ये मराठी मानुस खाटी होगा लेकिन खटिया नहीं। अरे बाहर से आप आए हो, ये मुंबई ये महाराष्ट्र मराठी लोगों की भूमि है। पट्टी दिखता नहीं क्या? एवडे अंगड़ी भरे अरे किल्ला तैयार नहीं हुए अब तक। बताना भूल गया मैंने। नौकरी छोड़ दी कल। आज बताया वो क्या कम है? दादा अब आगे क्या सोचा है? एक व्यंग चित्र साप्ताहिक शुरू करने की सोच रहा हूँ। आओ। श्रीकांत भी साथ रहेगा? कोई बात नहीं, ये तो अपनी खानदानी बीमारी है। अब मुझे ही देख लो, आज तक मैंने लोगों को अपनों से ज्यादा अपनाया और पैसा छोड़ के इस दुनिया में सब कुछ कमाया। लेकिन अच्छा है, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ, पैसों का क्या। ओ
कौन सी भाषा की मैगजीन है जी आपकी? मराठी मैगजीन के लिए लोन नहीं मिलेगा। Hey, listen, this is not our policy. I'm sorry, okay? भाई हमको मार्केट में रहने का है, मार्केट से बाहर थोड़ी जाने का है। अड़ग अड़ग मॉर्गेज काय ठेवणार? मराठी मैगजीन कौन पड़ेगा? गोपाल गायवाड़ी जा रहे हो ना? हाँ दादा। वो माल जरा गोदाम में रख, ये वहाँ ले जाओ और आते वक्त पैसे लेके आना। जी। या 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 नमस्कार। कैमर दोस्त बाजी राव। ठीक है। कैसे आना हुआ बाल? एक साप्ताहिक शुरू करने की सोच रहे हैं। अच्छा। बैंकों के बहुत चक्कर काट लिए, पर दादा ने तो बताया होगा ना? हाँ हाँ बताया मुझे। थोड़ी पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितना चाहिए? 5,000। 5,000 जल्दी लौटा देंगे। 5,000 प्रबोधन कर कैसे है? ठीक है। ये लो ये लो, गिनना और दो। ये लो। बुआ। हाँ। 5,200 है ये, 200 आशीर्वाद 200 दे बुआ। शुरुआत एकदम जोरदार होनी चाहिए। नाम क्या बताए अपने साप्ताहिक का? आज के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव जी चव्हाण, इनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने करकमलों द्वारा मार्मिक का विमोचन करें। उत्कृष्ट वक्ता, फोटोग्राफर, लेखक, शिक्षक, संपादक, ऐसी महान उपाधियां पहचान के पात्र हमारे मित्र प्रबोधनकार जी के बेटे ने यह मार्मिक शुरू किया है, जिसे मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया। ये मार्मिक का मुखपृष्ठ देखते ही मुझे यकीन हो गया कि इस मार्मिक की वजह से हमारे मित्र प्रबोधनकार की पहचान और बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र की जनता जल्दी ही इन्हें बाल ठाकरे के पिताजी के रूप में जानने लगेगी, इतना अच्छा ये अंत है। इसका नाम भले ही मार्मिक है, लेकिन इसका व्यंग तीखा है, गंभीर है। ये इसके मुखपृष्ठ को देख के ही पता चलता है। ये मार्मिक साप्ताहिक महाराष्ट्र के हर घर में पढ़ा जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। खासा बोर्ड था आगे घर कर गया। हां मैं ही हूं ठाकरे। मेरे आर्टिकल्स पढ़कर और कार्टून्स देखकर तुम सब लोगों को लगता होगा कि कौन है ये सच बोलने वाला गलत आदमी? कोई गुंडा है क्या? अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुंडा हूं। अरे झंडू बनके भीख मांगने से अच्छा है गुंडा बनके अपना हक छीनना। आदमी की ताकत और उसकी हिम्मत, उसकी छाती कितने इंच की इससे तय नहीं की जाती। उसकी ताकत होती है उसके दिमाग में, जो हमने गिरवी रख दिया है, फिर वो चाहे मुगल हो, अंग्रेज हो या कोई बाहर वाला। खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, बिना रीढ़ की हड्डी लिए सलाम ठोकते हैं, सलाम अन्ना, सलाम पन्ना, सलाम अय्या, बराबर बोला ना काका? अरे मेहमानों सम्मान है, हाथ जोड़ के स्वागत है, पर अगर कोई हमारी नौकरियां हड़पेगा, रोटियां छीनेगा,
तो जुड़े हुए हाथ उठ भी सकते हैं। और अब हाथ जोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। तोड़ फोड़ी नहीं कहीं होता साले, बाहर वाले दक्षिणात्य साउथ वाले कैसे एक साथ रहते हैं, एक साथ पीते हैं, एक दूसरे को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और हमारी जिंदगी चली गई एक दूसरे की टांग खींचने में। तुला थाम भाई, सतर थाम। अच्छा कल खींचे इडली की प्लेट धुलवाने के लिए भी अपने गांव से लोग बुलाते हैं, और अपना आदमी जब कोई धंधा शुरू करता है तो अपने लोग क्या बोलते हैं, अरे मीट कमी आए कहा, तेल कमी आए कहा, अरे अपने ठंडे तेल का दिया कब जलाओगे जो बरसों से बुझा पड़ा है, बहुत हुआ सम्मान समारोह, अब बजा पूंगी हटा लूंगी। इसी तरह इनकी शुरुआत ऐसे ही भड़काऊ भाषणों से हुई थी, नौजवानों को भड़काना, उनसे दंगा करवाना, यही इनका तरीका। थोड़ा आवाज कम हो सकता है क्या? थोड़ा आवाज कम हो सकता है पैन का। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इस फैन को बंद करो। चीजें जब बिगड़ जाती है तो बहुत आवाज करती है। कितनी उम्र है आपकी? ये क्या बेतुका सवाल? नहीं, 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 फिर भी बताइए उम्र क्या है आपकी? 35 साल। 35 साल, 35 साल की उम्र में आप एडवोकेट बने, सीबीआई की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। ये आज आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी हुई है, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़ लिख कर भी जिसके मां बाप भूख से अपने बेटे की राह देख रहे हो, तब पता चलता है कि पेट की आग क्या होती है। जब वो आग मिटती नहीं है ना, तो पूरे समाज को जला डालती है। साइलेंस प्लीज। आप हमेशा से हिंसा के समर्थक रहे। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्शन पे रिएक्शन तो होगा ही। ये मराठी पार्टी लिखनी चाहिए। उड़ के दिखे बाप, उड़ के दिखे। इडली वड़ा, इडली सांभर। निकल इधर से। तुम लोग का राज खत्म हो गया। साला ये लोग को ना ऐसे ही चाहिए रे। और क्या, इन बाहर वालों की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिलती। साला एक एक को ना पकड़ पकड़ के पीटना चाहिए। गलत बात है, पत्थरबाजी करके नौकरी मिलेगी। ए, तू रोज रोज वो टाई लगा के घूमता है, तुझे मिली नौकरी? नहीं ना, मिलेगी भी नहीं। अगर हम अभी भी चुप बैठेंगे ना, तो ये बाहर के लोग आके अपनी मार के जाएंगे। साला अब इनके शीशे टूटेंगे ना, तभी अपने को नौकरियां मिलेंगी। अरे भाई नौकरी नहीं, क्वालिफिकेशन लेने के लिए गोली आ रही थे, नौकरी कौन दे? हिंगल दे गोली का। अरे मराठी माणूस तो नौकरी कौन देगा बाबा? अरे उनके पास क्वालिफिकेशन थोड़ी होता है, नौकरी मिलेगा? तो वो कल हमारे घर चल आपने ही तोड़ा है। ए, क्या मैंने तोड़ा? चुगलखोर। आहो तुम ही पढ़। कांच टूटी तो सारी चीजें बिखर गई अभी, और साफ कौन करेगा? ए चला खेले तो थोड़ी देर, बोल फेंक। आप भी ना। नहीं नहीं नहीं, कोई आउट नहीं, सिक्सर मारा मैंने, सिक्सर मारा मैं नहीं छोड़ूंगा, चलो बोल फेंक। अरे चलो चलो भाई, वो बैट नहीं छोड़ेगी, सिक्सर मारा चलो। तुम्हें खेड़ा, मुझे ही करना है ना साफ। रुको रुको, देखता हूं। एक 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 मिनट, क्या चाहिए? ठाकरे से मिलना है। कुछ काम है क्या? ताजी हो, मैं उबाल ठाकरे, जीप में बैठू या घर चल के बात करते हैं? हम अंदर आते हैं। चलो अंदर, बच्चों को भारी आइए आइए।
आपकी सभा की वजह से मद्रासी लोगों का काफी नुकसान हुआ है। बहुत सारी शिकायतें आई हमारे पास। वो शिकायतें हम पे होगी, हमें अरेस्ट करते यहाँ नहीं। मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो? नहीं, अभी नहीं। ओडीपी होटल का नुकसान हुआ है, वो 7-8 लोगों पे मुकदमा चलाना पड़ेगा। आप तो जानते हैं, ऊपर से काफी प्रेशर होता है हम पे, और ये ऊपर वाले भी यहाँ के नहीं है। लेकिन आपके काम का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए आपसे मिलना चाहता था। आप तो जानते हैं, वर्दी की वजह से हम बाहर कुछ बोल नहीं पाते। ये मामूली लोग यहाँ आके हम पे राज कर रहे हैं, इन लोगों को पता है। मुझे झेला है मैंने। रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो मैं। नमस्कार। नमस्कार। साला साहब, डीसीपी साहब ने तो हमें जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था ना। शिंदे, जब भी अपना आदमी अपने बारे में बात कर रहा है ना, तो उसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती, हलचल पूछा जाता है। ठाकरे साहब है क्या? हाँ दादा। हाँ। कोई तो आया है। कौन आया है? बोलो क्या काम है? आप ही बाला साहब ठाकरे हैं? बाला साहब है बाला साहब घर में है, उनको बुलाता हूँ। बाला साहब आपको कोई मिलने आया है। दादा बोलो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज तक तो ये पता ही था कि हम मराठियों पर अत्याचार हो रहा है। आज पता चला अत्याचार कौन कर रहा है। साहब, ये हमारे ऑफिस के बाहर के लोगों की लिस्ट। साहब मुझे आपके साथ काम करना है। साहब आज 10वां दिन है, लड़की घर पे आई नहीं है, कहती है शादी की है, वो भी मुसलमान के साथ। साहब वो भिंडी बाजार में रहती है। साहब मैं पैर पड़ता हूँ, लड़की को घर पे लेके आओ। 7 साल हो गए मैं लड़ रही हूँ पानी की लाइन के लिए। वो संडास को जाके आने के बाद टमरल मेरे घर के सामने रखता है। हर बार थोड़ी ना सुन के लेगा साहब, डाल दिया फिर मैं उसे। What's your stand on this current situation? साहब मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती है। आप तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करते रहते हैं। मेरे अपना वो उसका, आप बोल रहे हैं मैं लेती हूँ घर में। डीसीपी साहब को एक फोन कर देंगे तो हमारे चल में ना सरकार की माफी चाहिए। क्या आप डेमोक्रेसी में मांगते नहीं? भंडारा भी रहता है। एक बार मांगी को छुपा दीजिए। आप उसका कुछ ना बता सकते हो? आपको अभी फोन कर दिया सर, मेरे ट्रांसफर तुरंत हो गया। वापस इधर वो पी के आया ना, फिर देखो। क्या ये कहना सही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो दादागिरी है? एक और कचहरी घर में ही लगेगी या इनके लिए कुछ और संगठन बनाने का विचार है? होए दादा, घर में तो नहीं, लेकिन जनता का काम करने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। उनको एक साथ करना होगा और इसके लिए एक संगठन की शुरुआत करनी होगी, मराठियों के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो इंतजार किस बात का है? सुबह से शीघ्रम। रमेश जाओ नारियल लेकर। ठीक है। अरे भाभी जी, आप सही मुहूर्त पर आई हैं। मुहूर्त? कैसा मुहूर्त? नया संगठन बनाने का। अच्छा, अरे वाह। वहीनी मीठा भेजिएगा ना थोड़ा। हाँ आंटी। हाँ। नया संगठन बनाना है ये तो हमने तय कर लिया, पर नए संगठन का नाम क्या होगा, कुछ सोचा है? नाम के बारे में तो कुछ नहीं सोचा,
दादा आप ही कुछ नाम बताओ संगठन का। संगठन? अपनी सेना होगी सेना। जय शिवाजी महाराज का नाम और कर ले शुरू। छत्रपति शिवाजी महाराज की। शेर की औलाद है और इन शेरों को जब भी कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो उसका नतीजा क्या हुआ इतिहास का पन्ना पन्ना छान कर देख लो। बाय चाचा आप ये लीजिए पेड़ा खाइए। साहब 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 मदद करो मेरी साहब। क्या हुआ? आपको तो पता है बाप दादाओं के जमाने से हम दूध का धंधा करते चले आ रहे हैं। बड़ी मेहनत करके घर खरीदा था, 2 साल पहले भाड़े पे दिया, लेकिन अब वो खाली नहीं करते साहब। वो कौन? कोई दादा है, उन्होंने जुए का अड्डा खोला है। मैं उनके पास बात करने गया तो कहते हैं हम उन्हीं के आदमी हैं। उन्हीं के? किसके? बाला साहब। चाचा आप रुके यहां पे, मैं बात करता हूं साहब से। ए हटो साहब, उनके खोली पे किसी ने कब्जा किया और उनका कहना है कि वो सब अपने ही लोग। चाचा आइए, वो खोली का पता दीजिए मुझे। सुतारवाड़ी खोली नंबर 19। साहब ये हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट। साहब बराबर है। हाँ साहब, हम कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ तो
तो क्या पूरी जिंदगी खाली मोर्चा और आंदोलन करते रहेंगे? कब तक इन नगर पिताओं की पूछ बनकर दर दर भटकते रहेंगे? अब हमारे सैनिक खुद नगर सेवक बनेंगे और लोगों का काम करेंगे। लेकिन साहब, आपने हमें कुछ नहीं बताया। अभी बताया ना, चलो काम पे लो। अरे अरे अरे, बहुत 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 मेहरबानी। किसी बेसहारा को तकलीफ देने वाला मेरा आदमी नहीं हो सकता। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। हेलो। हेलो, आप वाला साहब है क्या? कौन बात कर रहा है? वही नहीं, मैं मनोहर जोशी। हाँ, एक मिनट जोशी। बोला पंत साहब, वो अपने पार्टी के बलवंत माने हैं ना? वो ठीक से बोलो सब। वो मतलब तो क्या है, साफ साफ बोलो। उन्होंने सभा बुलाई है साहब, वनवाली हॉल में शाम को 5:30 बजे। आपके खिलाफ सबको पर्चियां बांटते फिर रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा साहब। ठीक है ठीक है। हमारी पार्टी की आगे की रणनीति सबकी सहमति से तय होनी चाहिए। पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना जरूरी है। शिवसेना किसी इक्के दुक्के की पार्टी बनकर रह जाए, यह हम हरगिज नहीं होने देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, यह नहीं होने देंगे। संगठन में मैं फालतू के लोकतंत्र को नहीं मानता। तो क्या आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं? कहां है लोकतंत्र? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? मेरे हिसाब से दो ही लोकतंत्र हैं, एक वो जिसमें सहना है चुप रहना है, या वो जिसमें सहना नहीं है कहना है, लड़ना है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और न्याय के लिए। अगर इस देश का कानून सबके लिए एक है, सबके लिए समानता है, और ये लोकतंत्र सबको एक नजर से देखता है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र को? अरे यहां अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून है। अगर इस लोकतंत्र की जबान सबके लिए एक है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा इस लोकतंत्र? मैं लोकतंत्र को मानता था जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, तो कहां गया था आपका लोकतंत्र? क्या कश्मीर हमारा नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित हमारे नहीं है? पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज का पानी आग उगल रहा है। आज भी बेलगांव और कारवार के मराठी महाराष्ट्र में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा होने के लिए 106 लोगों की आहुति देनी पड़ी। कहा था यह आपका लोकतंत्र, इसको जिंदा रखने के लिए और कितनी आहुति देनी पड़ेगी? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, एक ऐसा ही 26 जनवरी था, तब कहा गया था आपका ये लोकतंत्र, जब न जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया। बेलगांव कारवार सहित संयुक्त महाराष्ट्र होना ही चाहिए। हम 26 जनवरी तक का समय देते हैं कि अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या देश के गृहमंत्री और उप पंत प्रधान मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं। मुंबई तो क्या, महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देंगे। ये ठाकरे होता कौन है मुझ पर रोक लगाने वाला?
यशवंत राव जी, मेरा बॉम्बे दौरा जैसा प्लान है वैसा ही रहेगा। व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर, बॉम्बे में उन गुंडों ने इनके कार को भी रोका था। बहुत ज्यादा जनाक्रोश है महाराष्ट्र में। बेलगांव और कारवार के लोग तो रास्ते पर उतर आए। जो फैसले देश के लिए किए गए हैं उनका पालन होना चाहिए। सरकार के फैसले के खिलाफ कोई अपना फैसला सुनाएगा तो उसे उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। वो अनुशासन में नहीं रहे तो शासन अपनी पावर दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो लो। वो बाल ठाकरे के मैगजीन का विमोचन तो इन्हीं के शुभहातों से हुआ था। इतना कौन सा बड़ा तोप है ठाकरे? जेंटलमैन, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम कमिंग टू बॉम्बे। जो कुछ भी जरूरी है वो करो। पुलिस चार्ज किसके पास है? मोड़क मराठी है? नहीं, सिर्फ सरनेम मराठी है। पूरा नाम है इमैनुअल मोड़क। दत्ता साड़वी, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। मिस्टर ठाकरे जी को बोलो कि उनका एक भी लड़का मुरारजी के आसपास दिखना नहीं चाहिए। लड़का मतलब? बाला साहब खुद अपने हाथों से मुरारजी को निवेदन देने वाले हैं, इसलिए मुरारजी भाई को भी खुद आके वो लेना पड़ेगा। हमारी एक ही मांग है, बेलगांव कारवार महाराष्ट्र का है, था और रहेगा। आवाज नीचे, एक डिप्यूटी कमिश्नर से बात कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड? मैंने आपके साथ अभी जिस आवाज में बात की वही मेरी सबसे नीचे की आवाज है। दत्ता जी, बात करने का तरीका देखिए इनका। तरीका मतलब? दत्ता जी, सगल होते हैं शांत रहा। देखिए सर, हम बहुत शांति से निवेदन देना चाहते हैं। शांति? हम चाहते हैं बस ये मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए बस। पर उस दिन की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी। हाँ, देख लेंगे। देख लेंगे मतलब? देखेंगे मतलब हमारा निवेदन ले लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो बनी ही रहेगी ना। ठीक है, आपका मैसेज मैं कन्वे कर दूंगा। थैंक यू सर। ये तो हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? जोड़ने पड़ते हैं कभी कभी। कल हमारे साहब अपने हाथों से खुद निवेदन देंगे, वो मोरारजी को खुद अपने हाथों से लेना पड़ेगा, समझे? याद रखो। रुकेंगे नहीं, इन्हें रोके।
आप गाड़ी में बैठिए, अपने लड़कों को कहिए अरे अपने सैनिकों को सजा लो। दस्तक क्या है पीछे तो बक्सी लड़के बात कर रहे तो पुलिस से जो कर रहे थे गाड़ी रोक जरा गाड़ी रोक Come on, Modak, let's move. I said move now. जो मेरे कंधे पे है ना वो तुम्हारा लोकतंत्र है। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। ए बाला साहब को जेल हो गई रे, बंद कर दुकान तेरी माँ का, बंद कर दुकान चले। ए बाला साहब को आटा मेरे साले बंद कर दुकान। नहीं सर, पूरी फोर्स लगाई है, कंट्रोल में है सब। लेकिन पीएमओ को जो रिपोर्ट आई है वो तो आपसे अलग बात कर रही है। वसंत राव जी कुछ भी करें सिचुएशन अंडर कंट्रोल लाएं प्लीज। मुझे बॉम्बे शांत चाहिए। यस सर। जरा मोडक को बुला लेना। अब इनको कौन बताएगा, ये अपने हाथ में थोड़े ही है। इस वक्त बॉम्बे को एक ही आदमी शांत कर सकता है। जॉर्ज, मुझे पूरा भरोसा था वसंत राव जी पर अफसोस वो भी झुक गए दिल्ली के आगे।
इस देश में एक हिटलर पैदा होने की बहुत जरूरत है। पैदा हो चुका है तुझ में तानाशाह, पैदा हो चुका है। ये तू बोलता है जॉर्ज, जिसने लोकतंत्र पर कभी विश्वास ही नहीं किया। एक जमाना ऐसा था कि सरकार के खिलाफ रेल की पटरियां उखाड़ दी थी तूने, और हमारी गिरफ्तारी पर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ने उनके खिलाफ। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमसे मिलने आया हूं मैं। बाहर सरकार का कहना है कि शिवसेना को वैचारिक मुकाबला करना चाहिए। वैचारिक मुकाबला कैसे करें? वैचारिक मुकाबला यहां जेल में बंद होकर? बैंगलोर मेल, मद्रास मेल, जलाने वाले राष्ट्रवीर और हम फैसिस्ट, बेछूट गोलीबार, जनरल डायर की औलाद साले। जॉर्ज पानी पिलाओ पिलाओ, इनको बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ लेता हूं मैं। गया। तुम्हारे लोकतंत्र की वजह से मेरे 69 बच्चे मारे गए। साहब मुख्यमंत्री जी के यहां से कुछ लोग आए, भेजो। हाँ बुलाओ बुलाओ। बाल अपना ख्याल रखना, अब सबको पता चल चुका है कि सिर्फ जॉर्ज ही मुंबई बंद नहीं कर सकता। जब बाल ठाकरे मुंबई जलाता है तब दिल्ली भी जल के लाल हो जाती है। यू जस्ट बी केयरफुल। जॉर्ज अंधेरा मिटाने के लिए कभी कभी सुलगानी पड़ती है। मार्मिक की कुछ प्रतियां पहुंचानी थी, बबन को बोल दिया है मैंने। और है आपका। आप बैठे, मैं अभी आई। क्या कांबले कैसे हो? बस ठीक है। सौम मीनास, जय महाराष्ट्र। आजकल बहुत चिट्ठियां आने लगी हैं, उनमें से सारी चिट्ठियां इतनी भावुक कर देती है कि पढ़कर दिल भर जाता है, हम सबका मन भारी हो जाता है। इतनी निष्ठा, इतना प्रेम। तुम्हारा भी पत्र मिला, परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दुख है तो सिर्फ एक ही बात का, दिल्ली के आगे महाराष्ट्र की वकालत करने वाला कोई भी माइकललाल नहीं है। जीवन में 10 कदम भी नहीं चलने वाला मैं, न जाने जेल में दिन भर कितनी पदयात्रा करता हूं, इसका कोई हिसाब नहीं। सोचना सोचना और फिर सोचना। हमारा एक्वेरियम कैसा है, मार्शल कैसा है, टिब्बा बिंदा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये पढ़कर अच्छा लगा। उन्हें सोच समझकर ही दूर की सभा में भेजना। मुंबई की पुलिस पत्थर दिले, वो कभी भी कोई भी कुछ भी हरकत करने में पीछे नहीं रहेंगे। इस हद तक उनका खून मर चुका है। दोपहर के वक्त बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ने को कहना। महान और बड़े लोगों का जीवन चरित्र लाकर देना उनको। श्री मिलकर गया, मार्मिक का काम सुना, बहुत अच्छे से संभाल रहे वो। जो भी जरूरी था उसे समझा दिया है। पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पे आ गई ना, और जितने अच्छे से तुमने पूरे परिवार को संभाला और उनका ध्यान रखा है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मां तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे चाय नहीं ली आप लोगों ने?
नीलू इनको दे। साहब का खत था? हाँ ठीक है। वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसमें भी मेरा गुनाह है? पर साहब, लोग आपके प्यार में जंग छेड़ रहे हैं। बॉम्बे बंद है, जल रहा है, स्कूल कॉलेजेस कंपनियां सब आपके लोगों ने बंद कर रखी हैं। मेरे लड़के हैं। लेकिन साहब, ये सब अब रुकना चाहिए। बॉम्बे को पहले जैसा बनाना पड़ेगा। साहब, आपसे एक विनती है, शिवसैनिकों को सिर्फ आप ही शांत कर सकते हो। मुख्यमंत्री से बात करो, प्रधानमंत्री को बोलो, पावर तो उनके हाथ में है। साहब, ये आपको ही पता है कि बॉम्बे में पावर किसके हाथ में है। आपके एक इशारे पर बॉम्बे की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है। और अब और हां साहब, सीएम साहब ने विशेष तौर पर आपको यह संदेश भेजा है कि आपकी इस आंदोलन का फायदा दूसरे संगठन उठा रहे हैं। मुंबई की कानून और सुव्यवस्था कायम करने के लिए सरकार ने भारतीय सेना बुलाई है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। हमारी सेना हमारे देश की सीमा सुरक्षा के लिए है, देश के अंदर के झगड़े निपटाने के लिए नहीं। ये हम सभी के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए हमेशा देश पहले है और फिर राज्य। मैं मेरे शिव सैनिकों से आह्वान करता हूं कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी मुंबई में शांति और सुव्यवस्था कायम करने में जुट जाए। साथ साथ मेरे शिव सैनिकों को यह भी देखना होगा कि किसी भी हालत में हमारे इस आंदोलन और संघर्ष का फायदा लाल भाई या और कोई संगठन न उठाए। पाल ठाकरे। नाके पे लोगों की भीड़ जमा हो गई है, लोगों के हाथ में हथियार है, आप लोग वहां पे पहुंचिए। ओवर। कर रही है क्या? इस सरकार का खून ठंडा पड़ गया? एक आदमी के डर के लिए ये सरकार और कितने नीचे जाने वाली? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र नहीं ठोक तंत्र का राज चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने दंगे भड़काए उनके ही सामने शांति की भीख मांगने के लिए हमारे पुलिस को मजबूर कर रही है सरकार। इस सरकार का धिक्कार है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी धज्जियां उड़ रही थी और उधर ये हमारी सरकार सत्ता के नशे में सो रही थी। इस पर मुख्यमंत्री जी ने जो भूमिका ली है उस पर हमें शक है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अविश्वास का ठहराव तुरंत ही स्वीकृत किया जाए। कृष्णा देसाई, आपका वक्त खत्म हो चुका है, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। कल्याण राव आपको जवाब देने वाले हैं। उनका भी यही। कृष्णा देसाई, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, आपका वक्त खत्म हो चुका है। बहुत दिनों के बाद आना हुआ है ना?
आपके पास वक्त ही कहाँ होता है? क्यों, आज निकाला ना? गुस्सा हो गई। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? बच्चे राह देखते हैं आपके। और तुम? आप भी ना। अब अपनी जिंदगी यही है। हम जिंदगी में लोगों के काम आ सके, इससे अच्छी जिंदगी और क्या हो सकती है? बस ये लोग हमें हर वक्त देखते रहते हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है। आदत डालो। एक बात कहूं, मैं पहले जब लोगों को देखता था तो उनके अंदर का व्यंग दिखता था, लेकिन जब आज उन्हीं लोगों को देखता हूं तो उनकी परेशानियां, तकलीफें, उनके सवाल दिखते हैं। ऐसा लगता है कि दिन ब दिन मेरे अंदर का चित्रकार कहीं गुम होता जा रहा है। उसी कार्टूनिस्ट के साथ साथ मेरा पति भी भीड़ में कहीं गुम होते जा रहा है। हे, कहाँ जा रही है? आहो, उधर नहीं पानी है। रो मत बेटा, रो मत। आप इनके साथ हो, आपको ध्यान रखना चाहिए ना इनका। हाँ। तैरना नहीं जानती ना? नहीं। मग पिंटिया साहब, घर निकल। काय काय हवे बाड़ा? ऑटोग्राफ चाहिए था। किसका? इनका? नहीं सर, आपका। क्या नाम है तुम्हारा? किशो। ये तो मेरा बाप निकला। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ज्ञानेश्वर विद्या मंदिर। और कक्षा? चौथी। मेरा नाम जानते हो? हाँ। क्या है? टाइगर। टाइगर? अब ये तो चूहा लगता है। अरे यार, इस चूहे को मारने के लिए नायडू जी ने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? नाम क्या है इसका? बाल ठाकरे। सुना है बम्बई में बहुत चलती है इसकी। इसकी? क्या बात कर रहे हैं? अरे नायडू सुबह। हाँ चल। साहब, नागपुर के कुछ गुंडे लोग आपको मारने के लिए आए हैं, आ रहे हैं। थैंक यू सर। साहब वो सामने गली। मैं नायडू, बाल ठाकरे तुम हो? हाँ। तो बात करनी? घर तो रहे या नहीं? बाहर। बाहर का तेरी बारात है? सब खून। खून? अरे वो कचरे का डब्बा फेंका था ना तूने, टमाटो सॉस है ये, चल दो क्या थे। शर्म आती है मुझे, मुझे मेरे सैनिक ऐसे डरने वाले नहीं, लड़ने वाले चाहिए। लेकिन साहब आप पर है हमला। समझ नहीं आता मुझे, साला साले लोग खाएंगे यहाँ कर, रहेंगे यहाँ पे और गुंडान चीन रशिया के। इन लाल बंदर की जात को यहाँ से मिटाना पड़ेगा। पूर्ण भाई बात सुनी था। ए, बस। वो गोनी कहाँ रखी है? नहीं।
सुनना, उनको बाहर बुला। हाँ बोला तो। देसाई साहब हैं? नंबर चार पे मीटिंग लगाई है, सब मुझे वहाँ पे चाहिए, 8 बजे मैं आने वाला हूँ। देसाई साहब समझे, आपसे बात करनी थी जरूरी अकेले में। आप रकल बगरे? नहीं साहब, आपसे बात करनी थी। जा बगीचा, सब मुझे 8 बजे वहाँ पे चाहिए। हाँ हाँ सब मुझे। साहब ने हमको कृष्णा देसाई से ही मिलना है, आप उनको बुलाइए। हाँ उन्होंने ही कहा है कि आप मुझे बताइए, मैं बताता हूँ उनको। बंद करके ले। काम में जरा टॉर्च ला रहे हैं। हाँ अभी लाया। ये है। कौन है रे प्रकट? जय भारत, जय भारत से कुछ लोग आए हैं। जय भारत? हाँ जी। ये कहाँ का जय भारत है? पता नहीं। हाँ भाई लालबाग से आया हूँ। लालबाग? जय भारत से। हेलो हाँ, दिगू बोल रहा हूँ। बोलिए पत्रकार महोदय, क्या चल रहा है? बड़े दिनों बाद हमें याद किया। अरे आपको याद किए बिना पत्रकारिता कैसे चलेगी? साहब है क्या? देखता हूँ एक मिनट। हेलो सर, सरोजनी कृष्णा देसाई 29,913, बामन महाडिक 31,592। बधाई हो साहब। आपका उम्मीदवार जो जीत गया। हमारा उम्मीदवार? अभी आपका ही तो कहना पड़ेगा। वसंत सेना का। अच्छी राजनीति कर रहे हो आप। आपकी अपनी कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के बजाय दूसरों को आगे बढ़ा रहे हो। आगे चलकर कहीं यही राजनीति आपको भारी ना पड़ जाए?
आगे का आगे देखा जाएगा। शिवसेना के उम्मीदवार बाबन महाड़ी 1689 मतों से विजयी। साहब पहला विधायक चुन के है, बधाई हो बधाई। आओ क्या? अरे यार दादा कौन के यार? बोलो दादा, मैंने सुना है कि सोंगाड़िया बहुत जोर शोर से चल रहा है। अरे बोलो बोलो, सब अपने ही आदमी है। साहब सोंगाड़िया कोहिनूर में एकदम हाउसफुल जा रहा था। था मतलब? मैंने थिएटर वालों को बोला फिल्म और कुछ हफ्ते चलने दो, तो उन्होंने कहा कि हम थिएटर नहीं देंगे, उनको मराठी फिल्म यहाँ नहीं लगानी। क्यों? उन्हें हिंदी फिल्म लगानी है, तेरे मेरे सपने। मैं मंत्री लोग सभी लोगों के पास गया लेकिन किसी की मदद नहीं मिली। हिंदी फिल्म की हीरोइन है ना, जब कपड़े उतारती है तो सब आगे आगे जाते हैं, लेकिन मराठी फिल्म उतार दी है तो कोई भी आगे नहीं आया। हाँ हमारी मराठी फिल्म उतार दी उन्होंने, महाराष्ट्र में मराठी फिल्म नहीं तो क्या मद्रासी फिल्म लगेगी? अब आप ही कुछ करो बाला साहब। आओ विधायक जी। साहिब आशीर्वाद असू द्या। साहब ये सब आपकी वजह से। बधाई हो, अभी ये हार बार उतारो, कोहिनूर थिएटर जाके आते। कोहिनूर कौन सा शो है? आज अपना ही शो है। इस देश में फिल्म इंडस्ट्री शुरू की एक मराठी आदमी ने, और आज हमारे ही मराठी फिल्म को थिएटर में जगह ली। मेरा बिस्तर मेरा और सपने तेरे, अभी ये सब यहां नहीं चलेगा। पहला हक क्या के मराठी लोगों का है, बाद में तेरे सपने, पहले मेरे सपने। अरे पहली रोटी मराठी कामगार को, पहली रोटी मराठी कामगारों को। बबन, की नौकरियों पर पहला हक यहीं के नौजवानों का होना चाहिए। यस मिस्टर ठाकरे, बट दैट इज नॉट अवर सेंट्रल पॉलिसी। देन चेंज योर पॉलिसी मिस्टर नंदा। मुझे तो रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मिस्टर नंदा, तुम्हारे प्लेन्स जिन हवाओं में उड़ते हैं वो भले ही हवा तुम्हारी हो सकती है, लेकिन जिन रस्तों से होके तुम अपने घर जाते हो वो रस्ते मेरे हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ये नहीं हो सकता। कैसे हो बबन? जय महाराष्ट्र। हो गई बेल? शुभ दीपावली। को भी कल ही मिली साहब, आपने फोन किया और तुरंत बेल मिल गई। माँ शुभ दीपावली। नाश्ता करके जाना, आई ठीक है ना? सब ठीक है। अरे अरे वो मत उठाना। क्या कर? अरे चल। ये लो। क्या
बबन कैसे हो? शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। चल अन्ना, मुझे भी वैसे पटाखे चाहिए। हाँ लेके। नहीं अभी चाहिए। हाँ, पहले यहाँ से चल। नहीं अन्ना, हाँ चल मुझे। अन्ना अन्ना लूना भी। बड़ा आया सेने वाला, बैठा था जेल में जाके, तब कोई आया था क्या छुड़ाने के लिए? अरे घर में नहीं राशन, और ये बाहर जाके सुनता है सांप का भाषण। जब देखो जय महाराष्ट्र करता है। जय महाराष्ट्र जय। ए चुप, जैसा बाप वैसा बेटा। आज के बाद इस घर में अगर जय महाराष्ट्र बोला ना तो याद रखना। हाँ जय महाराष्ट्र। कौन रे तो? नमस्ते मासी। नवलकर साहब आप माफ करना। आइए आइए बैठिए ना, बैठिए। बबन है क्या? हाँ वो कहाँ हापिस जाता है। है घर के अंदर। नवलकर साहब सब। अरे पैर क्यों पड़ रहा है? सब चाय रखता हूँ। चाय रहने दे, ये ले सब। ये क्यों? और ये बाला साहब ने दिया है। अरे सब रख सब। ये पैसा? अरे नहीं रहने दे, सब पानी लाता। हाँ। बोलिए मौसी। साहब आप अपने पैसे उसे क्यों दे रहे हो? बाला साहब ने दिए, मैं क्यों दूंगा? मेरे लिए आप एक अच्छा सा काम करो ना, उसे बाला साहब से दूर रहने को कहो। मैं तो कहती हूँ आप भी वैसा ही करो, कुछ अच्छा सा काम धंधा देखो। ये घड़ी घड़ी जेल में जाना अच्छा है क्या? मौसी बबन चोरी करके जेल गया था क्या? नहीं, अपने लड़कों को नौकरी मिले इसलिए किया था ना आंदोलन। आपका पोता आगे जाके बड़ा साहब बनेगा, फिर देखना आप। सच में ऐसा हो जाएगा क्या? जरूर होगा, आप सिर्फ बाला साहब पे भरोसा रखो। सब पानी। अरे नहीं रहने दो, मैं चलता हूँ अभी। कल शाखा पे आना। अभी छोड़ा ना उन्हें। अरे मुझे किसी का भगवान नहीं बनना है, काम करना है अपने लोगों के लिए। 25 साल हो गए इस देश को आजादी मिले हुए, आज भी वही लड़ाई शुरू है। कारण सिर्फ एक है, हमारे नौजवानों के पास कोई काम धंधा नहीं है। कुछ करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। रास्तों पे अड्डे लगाने से अच्छा वहीं पे दुकानें खोलो, और कुछ नहीं तो वड़ा पाव के ठेले शुरू करो। यही वड़ा पाव अपने लड़कों का पेट भरेगा और साथ ही यहां के गरीब मजदूरों का भी पेट भरेगा, मुंबई की पहचान बनेगा। राजनीति एक गंदा धंधा है। हमारे संगठन में केवल 20% राजनीति होनी चाहिए, 80% उसमें सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करनी है। अरे अमीरों के लिए बड़े बड़े अस्पताल हैं, पर गरीब वो तो बेचारा अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है। मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा शुरू करो। देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हम एक मिसाल बनेंगे। खाली नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, चिल्लाओ मत। अगर वो नौकरियां छीननी है तो उसके लिए हमारे पास काबिल उम्मीदवार भी होने चाहिए। उनकी काबिलियत बढ़ाओ, तभी जाके हमारे संघर्ष को आगे न्याय जरूर मिलेगा। अपने लड़कों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करो और उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दो। अगर कंपनियां चलती रही तो ही मालिक जिएगा, और मालिक जिएगा तो कामगार जिएगा, कामगार जिंदा रहा तो देश चलेगा। हड़ताल करने से कामगार और उनके परिवार सड़क पे आ जाएंगे। यहां की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी यूनियन शुरू करो।
है, बाकी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को सड़क पे लाके फेंक दिया है, बर्बाद कर दी है उनकी जिंदगी, लेकिन हमारी पार्टी उन लड़कों को सड़क से उठाकर एक नई जिंदगी देगी। समय रहते अगर इन लड़कों को नौकरियां नहीं मिली तो देश में एक दिन अराजकता फैलना तय है। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षितता के लिए राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म बाय क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल। हेलो गुरविंदर, तू अपने सारे बंदों को बोल दे, अपने खुद के सारे पर्चे जला दियो। 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो सभी स्वयं से कह दो कि जल्दी से नागपुर पहुंच जाए। गप्पा कलाम आए फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर। हेलो कॉम्रेड्स, तुम्हारा सफाई लुकी पड़ो, अब जो तो पैम्पलेट साथ सब जाली था। दैट अ ग्रेट इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। सुनो, ये मालदा ऑफिस में रेड हुआ है, पुलिस छापा पड़ा है, तुम लोगों के पास जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है सब छुपा दो। क्या वाला साहब, इधर आप दांत साफ कर रहे हैं और उधर वो रजनी आपके संगठन को साफ करने की तैयारी में बैठा है। गंदे हाथों से कभी साफ सफाई नहीं होती। ये कैसी साफ सफाई वाली इमरजेंसी है देसाई साहब? ये सीधे सीधे हमारी आवाज दबाने की साजिश है सरकार की। दत्ता जी, मेरी आवाज सिर्फ डॉक्टर श्रॉफ बंद कर सकते हैं। शेर के मुंह में हाथ डालने वाला आदमी हूं मैं, पर इनकी आवाज तो मैं भी नहीं बंद कर सकता, वरना मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। बाला साहब, इसे मजाक मत समझिए, यह उनकी फाइनल वार्निंग है। शिवसेना को कांग्रेस में मर्ज होना होगा और इसके बारे में सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। रजनी का एक आदमी कल सुबह आपके पास आएगा सारे पेपर्स लेकर, अगर आपने साइन नहीं किया तो वो शिवसेना बंद कर देंगे। इसके बारे में सारे पेपर्स अब तक साउथ ब्लॉक में इंदिरा जी के सामने पहुंच गए हैं। रजनी को बोलना कि मर्जर के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा मैं। जिस समय वहां मेरे संगठन पर बंदी के पेपर साइन होंगे उस समय यहां रजनी की अर्थी उठेगी। नमस्कार, यह आकाशवाणी का बंबई केंद्र है, आप सुन रहे हैं हिंदी समाचार। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज सुबह 10:30 पर बंबई हवाई अड्डे पर आगमन होगा। सुबह 11 तिलक भवन दादर में कांग्रेस। अगवेनी, बंद क्यों किया, क्या हुआ? इंदिरा जी मार्मिक पड़ती होंगी क्या? क्यों नहीं, मंजे इन्होंने भी काफी व्यंग चित्र निकाले हैं ना उनके खिलाफ। वैसे इंदिरा जी ने इन्हें मिलने क्यों बुलाया होगा? शायद उनको असली शेर देखना होगा। आप भी ना इनके भाई ठहरे। अपना संगठन बंद तो नहीं होगा ना? अरे ये वाला सर, कैसे हो? बस बढ़िया। ठीक हो ना? एक मिनट। नमस्ते वाला सर। मेरी वसंत राव जी से बात हो गई है और वसंत राव जी के मैडम के साथ आज आप सही वक्त पे आ गए, नहीं तो कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाती।
और मैडम ने आपके लिए पूरे 5 मिनट रखे हैं। बाला साहब, रजनी पटेल। हेलो मिस्टर देसाई, प्लीज सीट, डेढ़ घंटा और लगेगा। मिस्टर ठाकरे, मैडम ने बुलाया आपको। मैंने सुना है कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता हूँ। तो लोगों के मन में आपके लिए इतना डर क्यों है? ये सब न्यूज़पेपर्स का प्रोपेगेंडा है। मैं मेरे लोगों के सम्मान और हक की बात करता हूँ। हक? किस हक की बात कर रहे हैं आप? भाषा और प्रांत रचना मैंने नहीं बनाई है, संविधान ने बनाई है। और जब यही इसी राज्य की बुनियाद है तो हमारे लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे ये मैडम, जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक किसी को अंदर मत भेजना। ओके मैडम। हाँ, आप कह रहे थे? मैंने कभी भी राष्ट्र विरोधी वक्तव्य नहीं किया। महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है, ऐसा स्टेटमेंट मेरे किसी लेख, कार्टून या भाषण में दिखाई दिया तो मैं खुद ही अपने संगठन को बंद कर दूंगा। जो भी महाराष्ट्र में सालों से रहते आ रहे हैं मैं उन्हें मराठी ही मानता हूँ, जैसे पंजाब में रहने वाला पंजाबी, बंगाल में बंगाली। अगर वही उसका जन्मस्थान है तो उसे उसके राज्य में नौकरी या शिक्षा में पहली प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। बस मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। रुकिए सर, आप इमरजेंसी के बारे में क्या सोचते हो? इमरजेंसी की वजह से अगर देश में डिसिप्लिन आता है तो मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं। मेरे लोगों को आपके बारे में बहुत सारी गलत जानकारी थी शायद, इसलिए गलत फहमियां भी थी। खैर कोई बात नहीं, मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचिए जरूर। माय स्टेट माय पीपल दे नीड मी। फिर भी आपका धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस मैडम। रजनी जी से वो फाइल लेके आना। जी लीजिए। जिन जिन संगठनों पर बंदी लगाई है उनमें से शिवसेना का नाम मैं हटा रही हूं, एक नई लिस्ट बनाई। महीनों में आज का दिन हमारे सैनिकों के लिए नया सवेरा है। इस वास्तु में हर धर्म और जाति के लोगों को सम्मान पूर्वक प्रवेश होगा। आप लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा यहां बैठा हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे आज याद आती हैं। उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते हैं, जब जनता कोपाकुल हो रुकड़ी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ की, घर घर नाद सुनो,
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये क्रांति है मित्रों, संपूर्ण क्रांति है। बाला साहेब, इमरजेंसी की वजह से जनता पार्टी इतने भारी अंकों से चुनकर आई है, पर कांग्रेस पार्टी हाँ। कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। ऑपोजिशन में रहकर भाषण देना आसान है, मगर सरकार में रहकर अरे वही नहीं, बस बस बस। मुंबई का मटन है, बारामती का नहीं। लेकिन सरकार में आकर सरकार और देश चलाना इतना आसान नहीं है। 5 साल के अंदर ही लोग कांग्रेस ही बेहतर थी कहना शुरू कर देंगे, देखना आप। बाला साहब, हमें कुछ साथ में करना चाहिए। शरद बाबू, हमने साथ में जो कुछ भी किया फेल हुए। एक साप्ताहिक शुरू किया, फिर दूसरा अंक आज तक नहीं निकाला। मुझे लगता है हमारी दोस्ती ठीक है, भागीदारी नहीं। यही कह के वसंत राव जी से दोस्ती की थी। वसंत राव और मैं बैठ के एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, पाइप खींचते, इसलिए दोस्ती है। मानो ना मित्रा। भात लेना है हाँ आपको? बस बस बस, वही नहीं पेट भर गया। अरे देना देना मुख्यमंत्री जी को, रोज पुलोत की खिचड़ी पकानी है। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि महाराष्ट्र का कोई भी नेता एक दिन देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारे लोगों की अड़चन ही ये है, वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सोचते हैं, उसके आगे नहीं। बाला साहेब, मराठी नेताओं की। अरे बैठो बैठो। नको नको। माँ आ जाओ। अरे बैठो ना, आ जाओ। मराठी नेताओं की एक और मजेदार बात है, अगल बगल की सीट पर बैठकर दिल्ली जाते हैं। क्यों? एक दूसरे की सीट काटने के लिए। शरद बाबू, आपके दिमाग में 24 घंटे राजनीति चलती है। नाटक या पिक्चर देखते हो? कभी कभार। परसों का क्रिकेट मैच देखा? क्रिकेट देखने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बाला साहब। इन्हें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। मैच चल रहा हो और समय मिले तो पूरा दिन ट्रांजिस्टर लेके बैठेंगे। इंटरेस्ट तो इनको भी बहुत होगा। भाई शरद बाबू, अगर ये कहते हैं कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये समझो कि उस चीज में उनको बहुत इंटरेस्ट है। मुझे इंटरेस्ट है। अरे 5 बज गए, चलो रेडियो सुनते सुनते हैं क्या कहते हैं मुरारजी भाई आज सभा में। पहली बार इस देश के लोगों ने कांग्रेस की गुलामी छोड़कर खुद अपनी जनता की सरकार बनाई। पूरा देश जब इमरजेंसी के खिलाफ था, तब यहां की कुछ पार्टियों ने इमरजेंसी का साथ दिया। आप इस देश से इन पार्टियों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। भवन, इन्होंने ही तो इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। ऐसे डरपोक हमलों से मैं नहीं डरता। मेरे पिताजी ने मंत्र दिया है, उठ मराठा उठ। वैसे तो मराठी आसानी से उठता नहीं, और अगर एक बार उठ गया तो पीछे हटता नहीं। दो चार हाथ छूटने से घर गिर नहीं जाएगा। मेरे इरादे, मेरे विचार,
ऐसे ही खत्म नहीं होंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मराठी मानुष को सम्मान नहीं मिलेगा। आज के डूबते हुए सूरज के अंधेरे से मैं नहीं डरता, कल का उगता हुआ सूरज आसमान को फिर से कसरिया बना देगा। साहब, मेयर गुप्ते आए हैं, भेजू? पटवाते ना। जय महाराष्ट्र साहब। बोलो बोलो मेयर, बोलो। साहब वो, अरे जो बोलना है खुल के बोलो, बोलो। साहब लोगों का निर्णय अब स्पष्ट है, देश ने और राज्य ने भी जनता पार्टी को ही चुना है। तो क्षमा करना साहब, शिवसेना का कार्य अब खत्म हो गया है। मतलब ये बात और है कि हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस इलेक्शन में लोग आपसे, मतलब हम लोगों से दूर गए हैं। इसलिए हम लोगों में से कई लोगों का ये मानना है कि राजनीतिक सूझबूझ की बात करें तो हमें जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। कामरे, ऐसे भी ये चाकू छुरी वाले यहां बढ़ रहे साहब, साहब इनसे कोई राजनीतिक सूझबूझ की अपेक्षा क्या करें? मेरा संगठन इन्हीं निडरबाज लोगों के लिए था और आगे भी रहेगा। बोतलों में लाल पानी भरकर बेचने वाले तुम जैसे डॉक्टर इन्हीं के दम पर मुंबई के मेयर हो साहब, ये बोलना नहीं चाहिए तुम्हें। अरे डॉक्टर हो तुम, चाकू छुरे तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हो और मेरे लोग दूसरों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्क है। और एक बात और, जो शिवसेना छोड़ के जाना चाहते हैं खुशहाल जाओ, खुशी से जाओ। मैं अगर अकेला भी रह गया ना तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। जिन चाकू छुरे वालों साहब को दिक्कत है ना, इन्हीं के साथ अपने संगठन को आगे ले जाके दिखाऊंगा मैं। क्या दिक्कत है जय महाराष्ट्र बोलने में? ये जात पात भूल के कोई ढंग का काम करते हैं। मैं कोई जाति धर्म के विरुद्ध नहीं हूं, मैं आदमी के कर्म को मानता हूं, धर्म को नहीं। लेकिन ये क्या है, जब भी इंडिया मैच हार जाता है तो किसी किसी मोहल्ले में पेड़ बांटे जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। अरे सब खत्म करो ये सब, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो धर्म के नाम पर लड़वाने वालों को होरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। अरे आप ईद मनाओ, हम खुशी खुशी आएंगे, लेकिन उसी खुशी और उत्साह के साथ आप शिव जयंती भी मनाएंगे।
जब हमने इनको गले लगाने की पहल की, इन्होंने हमारा गला काटने की कोशिश की। कुछ नहीं हो सकता इनका, मुस्लिम लीग भी कुछ नहीं। इस देश के मुस्लिम अगर धर्म के आधार पर वोट करना चाहें तो हम अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम रहेंगे। अरे पट्टू की औलाद बनके मत जियो, मर भी जाए तो परवाह नहीं। अरे वोटों के लिए इतनी लाचारी, जब इलेक्शन आता है तो उनको मुसलमान याद आता है। आज के बाद जो हिंदुओं की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। मैंने प्रमोद महाजन को बोला कि जब महाराष्ट्र में मराठी मानुस मराठी बन के वोट कर सकता है तो हिंदू लोग हिंदू बन के वोट क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आज रमेश प्रभु को जिताकर आप सब लोगों ने देश को हिंदुओं की ताकत दिखा दी है। हिंदुत्व का प्रचार न्यायालय भी रोक नहीं सकता। न्यायालय का कोई भी फैसला हो, शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। आपने भाषण देकर लोगों को भड़काया और आप ही के कहने पर आपके लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। साइलेंस प्लीज। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था, जो मैं आपको लाके दिखाता है। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ, सर दिस इज द प्लेस ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया, उनकी भावना है कि राम लल्ला वही पैदा हुए थे। वकील साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या आपको पता है कि बाबर कहां पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मुझे पता था, मैं बताता। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? देखिए मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ लोगों की भावना उस ढांचे से भी जुड़ी हुई थी जिसको आपके लोगों ने तोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, तोड़ा नहीं, हमने उसको वहां से साफ किया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मतलब मस्जिद का ढांचा गिराकर भी आपने कोई गलती नहीं की? मैं तो उस वक्त पे वहां मौजूद नहीं था, और जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो तो मेरे लोगों पर ही लगा रहे हैं ना। आप मेरे लोगों पे इल्जाम लगाएंगे और मैं चुप रहूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने लोगों के लिए जीता हूं, उनको तो छोड़ भी नहीं सकता ना। वहां जो कुछ भी हुआ हमने कुछ नहीं किया, बल्कि जिन आक्रमणकारी शक्तियों द्वारा जो जुल्म हुआ था हमने उसे तोड़ा है। उन्होंने की हुई गलती को हमने अभी सुधारा है। ऑर्डर।
भाई साहब। अरे उधर देख, अरे देखना उधर, तू भाई तरफ देख, भाई तरफ देख। अरे राव उधर देखो। हाँ सर। कोई है क्या उधर? देखता हूँ साहब। कोई नहीं है साहब। ठीक है ठीक है, चलो। तीन घंटे से खड़ी हूँ साहब, पांच मिनट के लिए मिल लीजिए। पढ़ रहे थे ना? कहाँ रहे थे आप? वो बहराम पाड़ा साहब, मैं आमीना और ये मेरे शोहर ताहिर और ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। पूरा घर चला दिया, अब इनको लेके कहाँ जाएंगे? आप हमें बचा लीजिए साहब, आप ही ये कर सकते हैं। ये आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? साहब वो नमाज का, वो जोहर की नमाज का वक्त हो गया इसलिए। यहाँ पढ़ लीजिए। नहीं साहब, आपके धर्म से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई तो उन काफिरों से है जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। जनामाज आए? नहीं साहब, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया। रवि। हाँ सर। सटाई दे रहे हैं ना? दे तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आसिया। सही, केवल मस्जिद गिराने में ही नहीं बल्कि बंबई में हुए दंगों। बंबई नहीं, मुंबई। वही बॉम्बे में हुए दंगों, मुंबई में हुए दंगों में भी आपका हाथ था। हाथ नहीं, पाव था। क्या मतलब? जहां जहां लोग दंगों से पीड़ित थे वहां खुद जाके उनका हाल देख के आया हूं मैं। बेशुमार कत्ल करने के बाद भी लोग खुलेआम सड़कों पे घूम रहे थे, ऐसे में उनको काबू में रखने की सख्त जरूरत थी। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। वही तो मैं भी कहता हूं कि पुलिस का है, लेकिन पुलिस तो सरकारी नौकर है, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ गया तो क्या करेगी? और ऊपर के लोग ठंडे हेसी में बैठकर अपनी कुर्सियां गर्म करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति ऐसे ही दंगों से चलती है। अगर इस देश में पुलिस को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा देश को दंगों से मुक्त करने के लिए। आप भी तो ऐसे ही दंगों की राजनीति करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी राजनीति करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब देश की बात आती है तो मैं राजनीति का खेल नहीं करता। आप तो खेल में भी राजनीति करते हैं। कौन?
दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियादाद आलेत म्हणून सांगा. हॅलो. वेळ घेतलीय साहेबांची. ओके. दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियादाद आलेत. दिलीप वेंगसरकर आणि जावेद मियादाद आलेत. काय करायचं? हा थांबा, वरती विचारून सांगतो. हा पाठवा त्यांना. हा ठीक आहे. साहेब, जावेद इथे एका टीव्ही कार्यक्रमासाठी आला होता, तर तुम्हाला बघावं आणि भेटावं अशी त्याची इच्छा होती. बर, सो म्हणून घेऊन आलो त्याला. आलोडी खाओ, तुम्हारे यानी बनेगी कभी भी. सर, मैंने आपके क्रिकेट के जुनून और जानकारी दोनों के बारे में बहुत सुना है. वो हमारी ये ख्वाहिश थी कि मेरा मतलब है कि हमारी आपसे गुजारिश थी कि हिंदुस्तान के साथ फिर से क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाए तो. काय करनाल? हा काय म्हणतोय? हो साहेब, म्हणजे तुमच्या परमिशन शिवाय ते. हा साहब, सोचिए अगर दोनों मुल्कों में फिर से क्रिकेट मैचेस शुरू हो जाए तो हालात और भी सुधरेंगे. बियर पियोगे? थैंक यू. आपका सिक्सर याद है मुझे? एक्सीलेंट शॉट. थैंक यू सर. बहुत अच्छा खेला था आपने. उस गेंद के समय आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा था. हाँ, बस हर पार की बात थी तो ठोक दिया. लेकिन सच बताओ तो सर, उस पूरे मैच में सिर्फ एक गेंद चेतन शर्मा ने वो खराब फेंकी थी. वरना आप उसका बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने पूरे मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी सर. लेकिन हमारे साथ हारने के बाद यहाँ सब लोग उस पर टूट पड़े थे. अफसोस. ऐसा ही है. पाकिस्तान के खिलाफ हम हर जंग सिर्फ जीतना चाहते हैं. क्रिकेट ही एक ऐसा जरिया है जो दोनों मुल्कों में दोस्ती का पैगाम ला सकता है. क्या सोचते हो? नहीं सर, मैं बस ऐसा सोच रहा था कि आप प्लीज क्रिकेट को मत रोकिए, दोनों मुल्कों में क्रिकेट होने दीजिए. इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा. आप अपने देश के क्रिकेट के बारे में सोचते और मैं मेरे क्रिकेट खेलने वाले देश के बारे में सोचता हूं. एक बात और, आपकी बैटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों का दुख दर्द भूल सकूं. चाय पीजिए. वैसे सर, इस सिलसिले में यहां की गवर्नमेंट भी आपसे बात करना चाहती है. खेल के लिए गवर्नमेंट की नहीं, ग्राउंड की जरूरत पड़ती है. Thank you.
साहब, कुछ दिनों पहले चार लोगों को हिरासत में लिया था, उनकी इंक्वायरी भी की, उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से। बोला बोला। आपकी हत्या की साजिश थी साहब। पहले से ही पता चला इसलिए ठीक रहा, लेकिन जैसे ही पता चला हम लोगों ने तुरंत एक्शन ले लिया। कौन थे? बढ़िया तंदूरी लगाया, एक बोटी कबाब लगा दे। शिंदे, ठाकरे साहब को उड़ाने का प्लान था साहब, जो नाकामयाब हो गया, इसलिए इस बार उनको दशहरे की रैली में उड़ाने का प्लान बना। बटनारा में मेरा घर है साहब, उधर ही मुझे नईम चाचा मिले। नईम चाचा ने आका से मिलवाया और हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। हमें यहाँ का पूरा नक्शा समझाया गया साहब, और आका बोले इस चीज को अंजाम दोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। केस रिकॉर्ड पर लिया क्या? नहीं। मतलब आज के बाद ये कभी भी किसी को ना दिखे, इसका ध्यान रखना सर। यार छोटी छोटी बातों पे दंगे भड़का जाते हैं, दंगे होते हैं और मरते हैं अपने ही लोग। लेकिन साहब सावधान रहना होगा, कुछ दिनों के लिए जरूरी ना हो तो घर से बाहर आना जाना अवॉइड करेंगे तो बेटर है, हो सके तो मुंबई के बाहर। इन आतंकवादियों के डर से इलेक्शन सर पे है, प्रचार और मीटिंग के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा लगाना पड़ेगा, और मेरे सैनिक मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए समर्थ है। Why to take a risk, सर? जिस रंग की गोली मुझे छू के गुजरेगी वो रंग इस देश से हमेशा के लिए मिट जाएगा ऑफिसर। हिंदू भाइयों बहनों और माताओं, हिंदू संघ सम्राट शिव सेना प्रमुख श्रीमान बाला साहेब शास्त्री।
मेरा लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। मेरे इस देश में लोकतंत्र कभी पैदा ही नहीं हुआ। अरे मुझसे पूछते हैं कि मैं मुंबई का हिटलर हूं क्या? अरे मुंबई तो क्या, पूरे महाराष्ट्र का हिटलर हूं और देश का भी बनूंगा। तुम अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो मुझे मेरे हर शिव सैनिकों के हाथों में AK-47 देनी ही पड़ेगी। मेरे शिव सैनिक गुंडे रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ना बटने ही चाहिए। शिवसेना भवन पर हमला हुआ, मुझ पर हमला करने की कोशिश हुई, फिर भी मेरे सैनिक शांत बैठेंगे? अरे आदेश देने की क्या जरूरत? हिंदू बढ़ के और दंगे हो गए। अरे कौन सा औरंगाबाद, उस औरंगजेब की कैसी याद? अगर किसी को याद करना ही है तो उस भूमि पर संभाजी महाराज को याद करो, कोई औरंगाबाद नहीं। आज से इस भूमि को संभाजी नगर कहेंगे। शिवसेना प्रमुख को आदेश देने की क्या जरूरत? किसी भी महिला की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, यह जिम्मेदारी मेरे सैनिकों की है। अरे पुलिस पर हमला, अगर यहां पुलिस ही असुरक्षित है तो तुम लोगों का क्या? मेरा उन पुलिस वालों को यही बोलना है कि ये शिवाजी महाराज की भूमि है, किससे डरते हो, क्यों डरते हो? अगर फिर से हाथ उठा तो उसे वही ठोक दो, मैं तुम्हारे पीछे मजबूती से खड़ा हूं। ये लहरें नहीं महासागर है, और ये महासागर ऐसे ही कायम रहेगा। इस महाराष्ट्र में शिव शाही का भगवा लहराएगा, मतलब लहरा के रहेगा। ये मेरा आप सभी को वचन है। जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाहन करूंगा, तथा मेरे भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष, इसके बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर गजानंद जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक के ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। Do you plead guilty or not guilty? Yes. I plead guilty. अगर इस देश से प्यार करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं।
अगर लोगों की भावनाओं की कदर करना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। कानून के लिए लोग नहीं, लोगों के लिए कानून है। मुझे हमेशा से ही देश ने कटघरे में खड़ा किया है। मैं सही हूं या गलत, इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूं और वो है जनता की अदालत। आपके इस पूंजीवाद की वजह से जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी पिस चुकी थी, मैंने उन्हें सीना तान के खड़ा रहना सिखाया, यह है मेरा गुनाह। इस सिस्टम ने जिस समाज को सालों साल गूंगा बना के रखा, उस समाज की आवाज बनकर मैंने सिस्टम को ललकारा, यह है मेरा गुनाह। और अगर यह गुनाह है तो मैं एक बार नहीं 100 बार दोहराऊंगा। व्यवस्था में कुछ एक तय समय के बाद हथियार उठाना जरूरी बन जाता है। मैं कलाकार था, पहले मैंने अपने ब्रश को हथियार बनाया, पर जब वही लोगों को न्याय दिलाने में असमर्थ हुआ, बिल्कुल हमारे न्याय व्यवस्था की तरह, तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव हथियार उठाना जरूरी समझा, वाजिब समझा। और यह देश के इतिहास में पहले भी हो चुका है। यस, आई प्लीड गिल्टी। और इस गुनाह के लिए आप मुझे फांसी की सजा भी दे तो भी स्वीकार है। मेरा हर गुनाह मेरा विचार बनकर लाखों लोगों के खून में बहेगा और उस खून के हर कतरे में जिंदा रहेगा ये बाल केशव ठाकरे।